आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है इसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हमने यहाँ पर लिखा एक कंपनी है, एक कंपनी के एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और वो डिपार्टमेंट्स सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मेंटेन अकाउंट्स सेपरेटली हमने यहाँ पर लिखा ताकि अकाउंट्स को टाइमली और सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स के फॉर्म में मेंटेन किया जा सके। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक ट्वाइस कंपनी है, ये कंपनी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ट्वाइस बनाती है। अब ट्वाइस में बहुत से ट्वाइस आते हैं, डॉल्स बनती हैं और ये जो ट्वाइस बनाती है ये प्लास्टिक के ट्वाइस होते हैं और इसके बाद डॉल्स बनाती है ये कंपनी। और डॉल्स के अलावा कार्स हैं और इसके अलावा गन्स हैं। अब ये जो सब ट्वाइस बनाती है ये इस बहुत तादाद में ये जो इस कंपनी के खिलौने हैं ये सेल होते हैं। तो ये क्या करेगी, ये बजाय ये कि सारा काम एक ही जगह पर हो, ये डॉल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देगी, कार्स का एक अलग डिपार्टमेंट बना देगी, गन्स का एक अलग डिपार्टमेंट बना देगी। अब जब काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो ये कंपनी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगी तो ये ज़्यादा बेहतर है कि इन तमाम डिपार्टमेंट के अकाउंट्स भी अलग से मेंटेन किए जाएं। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और हम अब जानते हैं ये किन हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट्स कंपनी के काम कर रहे हैं वो रेवेन्यू का कितनी सेल हो रही हैं, डॉल्स की, कार्स की, गन्स की, कितने पैसे उनके पास सेल से आ रहे हैं और कितना कैश आ रहा है, इसके अलावा टोटल सेल्स कितनी हुई हैं जिनके लिए कैश नहीं आया, टोटल सेल्स को मेंटेन कर रही है कंपनी। अब हर डिपार्टमेंट के खर्चे कितने हैं वो भी मेंटेन करेगा हर डिपार्टमेंट। और फिर डिपार्टमेंटल वाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टैंडर्ड नेम है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद है बैलेंस शीट, हर डिपार्टमेंट अपनी बैलेंस शीट बनाएगा और बैलेंस शीट का स्टैंडर्ड नेम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब जब हर डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू एक्सपेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाएगा तो ये तमाम इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड हेड ऑफिस को हर डिपार्टमेंट भेजेगा और फिर हेड ऑफिस में ये तमाम इंफॉर्मेशन को देखते हुए फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखी ये बनाई जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हर डिपार्टमेंट को अलग से मेंटेन करने की, अकाउंट्स और ये तमाम इंफॉर्मेशन रखने की क्या ज़रूरत है, इसके क्या रीजंस हैं, क्यों हर डिपार्टमेंट अलग से अकाउंट मेंटेन करता है या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ रीजंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। फैसिलिटेट्स द कंपनी टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर हर डिपार्टमेंट हर इंफॉर्मेशन को अपने पास मेंटेन रखेगा तो ये फाइनली कंपनी को हेल्प करेगा कि कंपनी के पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनानी होंगी तो उसका तमाम डाटा कंपनी के पास पहुँच जाएगा, वरना ये मुमकिन नहीं है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स में जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी सेल हो रही हैं, रेवेन्यू हम सेल्स को कहते हैं, या जो खर्चे हो रहे हैं वो हर डिपार्टमेंट एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हेड ऑफिस को भेजे। इसलिए ये बेहतर है कि हर डिपार्टमेंट अपना प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे और उनसे बाद में जो हेड ऑफिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए बना ले। और इसके बाद अगला रीज़न देखते हैं, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब जिस वक्त हर डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा तो हम लोग ये देख सकेंगे कौन सा डिपार्टमेंट, डॉल्स का डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कार्स का डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, गन्स का डिपार्टमेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है और कहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे कम किए जा सकते हैं और कहाँ सेल्स ज़्यादा हो रही हैं ताकि हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, स्टॉक ज़्यादा ला के रखें, इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा मेंटेन करें। इस तरह से डिपार्टमेंटल वाइज हम परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को इवेलुएट कर सकते हैं। अब जब हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस की इवेलुएशन के बाद क्या होता है, मैनेजर्स और स्टाफ
जो भी जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर है और उस डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उनको रिवॉर्ड भी प्रॉपरली दिया जा सकता है। अब जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ख़र्चे कम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उसको रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंगली मिलेंगे, कंपनी उन मैनेजर्स को या उन स्टाफ को बोनस देगी। और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और उनको वो अकाउंटेबल होंगे, उनसे पूछा जाएगा। इस तरह से जो जब रिवॉर्ड दिया जाएगा उन मैनेजर्स को जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और स्टाफ को, तो इस तरह से बाकी भी मोटिवेटेड रहेंगे, पुरजोश रहेंगे कि वो अपने काम को पहले से बेहतर करें। और जब लोग बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे, स्टाफ और जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो होगा वो कंपनी को होगा। और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, इंक्रीज आएगा। इसके बाद हर डिपार्टमेंट से जब इंफॉर्मेशन हमें सारी मौजूद होगी, हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करेगी बेसिस फॉर इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब हमें पता होगा, हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन सारी आ चुकी होगी, हमें पता होगा कहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या कहाँ डिमांड ज़्यादा है, कहाँ टॉयज कौन सा टॉयज ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हम प्लान उसके मुताबिक कर सकेंगे और जहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उन चीज़ों को भी हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। तो हमें अगर तमाम इंफॉर्मेशन अकाउंट से, तमाम डिपार्टमेंट से अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये हमें बेसिस प्रोवाइड करेगी कि हम बेहतर प्लान कर सकें और बेहतर कंट्रोल कर सकें उन एक्टिविटीज़ पर जिन्हें जिन पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जब प्लान बेहतर होगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा, तो प्रॉफिट के थ्रू जो अमाउंट आएगी उसे हम री इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी के ग्रो करने की, मज़ीद आगे बढ़ने की, सेल्स को इम्प्रूव करने की या इन डिपार्टमेंट्स के अलावा कुछ और चीज़ें ऐड करने की पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा और ग्रोथ कंपनी की पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। और कंपनी के परफॉर्मेंस और इन तमाम रीजंस के अलावा जो एक मेन रीज़न है वो ये भी है कि हम जब तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन इसलिए भी करते हैं कि हमें ये तमाम इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को शो करनी होती है। स्टेक होल्डर्स हम उन लोगों को कहते हैं जिनका कंपनी में किसी ना किसी तरह इंटरेस्ट होता है, जैसे जो कंपनी को लोग लोन दे रहे हैं, क्रेडिटर्स जो हैं वो भी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो हम ये अकाउंट्स से रिलेटेड तमाम डिटेल्स को उन्हें दिखा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स के अलावा शेयर होल्डर, यहाँ हम SH लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, और इनके अलावा जो भी कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के अकाउंट्स और डिटेल्स को शो कर देखना चाहते हैं, तो जितनी डिटेल हमने अकाउंट्स में बताई गई होगी और जितनी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने दिया होगा उससे हम स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस उतना ही जीत सकते हैं और लोग कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी जब उसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बना लेती है और हर डिपार्टमेंट अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करता है, और सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने के रीजंस क्या हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कंपनी को वो हमने इस वीडियो में देखा। तो इससे आगे अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे अब जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं वो किस तरह से कंपनी बनाती है, ये हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे।